देखो 3.2 किलोमीटर हो चुके, और एक बॉस ही आ रहे हैं यहाँ पे। हर हर महादेव। गाइस हम फाइनली पहुँच गए जटा मंदिर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो आज की शुरुआत थोड़ी जल्दी हो चुकी है, तो आज हम जा रहे हैं ब्रह्मगिरी हिल। एज इट नेम, ब्रह्मगिरी हिल लॉर्ड ब्रह्मा के नाम से पड़ा है। तो नासिक में एक विलेज है जिसका नाम है त्रिंबक विलेज, जो है त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। तो आज हम वहीं पर जाएंगे, वहां पे दिखाएंगे आपको छोटा सा ट्रैक, और ट्रैक और बाकी की बातें हम लोग वहीं पहुंच के बताएंगे। तब तक आप थोड़ा सा व्यूज एंजॉय करो। और हाँ, आई नो इट्स बीन अ वाइल, मैं कुछ टाइम से ब्लॉग्स नहीं डाल रहा था, नहीं बना रहा था, थोड़ा अपने पर्सनल कामों में बिजी हो चुका था मैं। तो बाकी तुम लोग आने वाले दिन में पता चल जाएगा जी कहाँ मैं थोड़ा बिजी हो चुका था। तो ये है यहाँ का मिलिट्री एरिया, कैंटोनमेंट एरिया, और देखो कुछ ऐसे से है यहाँ पे क्वार्टर्स। तो ठीक है, मैं अपने पापा से पूछता हूँ। मैं डैडी जी, यहाँ पे ये आरडी सेंटर इतना फेमस क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे पूरे जितने भी आरडी सेंटर वाले आते हैं सब ट्रेनिंग करने आते हैं, और यहाँ पे हर एक तरह का जो भी है टैंक्स वगैरह जो भी है ऑपरेट करना सीखा है, ट्रेनिंग दी जाती है। और बेसिकली और एक बात है, ये एशिया का सबसे बड़ा आर्टिलरी सेंटर है जो यहाँ पे नासिक में है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेनिंग्स होती है आर्टिलरी की। और बाकी आवर इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट। और बाकी आप ये देखो, एक कैंटोनमेंट एरिया की अलग ही वाइब आती है, बड़ी शांति से जगह, पीसफुल। अब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट टाइम, और ये हमारी बीस्ट क्या ही लग रही है, चंडीगढ़ इस लव। और यहाँ पे व्यूज देखो, किदा तेरे से मैच नहीं कर रहा। okay, गाइस एक बात और बताना चाहता हूँ, यार मुझे भी अच्छा नहीं लगता। देखो यार इसको कैसे अभी पिंजरे में डाल रखा है, पीछे इतना अच्छा व्यू है, सब कुछ है, बट ये चीज़ देख के ना थोड़ा सा गुस्सा आता है ऐसे इसको। मतलब ठीक है तुमने पाल रखा है यार, ठीक है, मतलब सबकी गेस्ट की सेफ्टी के लिए भी, बट यार अगर ऐसा है तो या तो घर छोड़ के आओ, तो कहीं और इसको बांध के रखो यार। ऐसे पिंजरे में देख के ना यार अच्छा नहीं लगता ऐसे। गाइस चेक दिस आउट, क्या ही नज़ारे आ रहे हैं यहाँ पे, देखो वो, देखो उस पहाड़ पे वो, ऐसे नहीं लग रहा ऐसे हाथ से कुछ से काटे हुए पूरे वो। अब देखो कुछ ऐसा यहाँ का रास्ता है यहाँ पे, और ये हम लोग यहाँ पे त्रिंबकेश्वर मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, और हम सीधा जाएंगे अब ब्रह्मगिरी ट्रैकिंग पॉइंट स्टार्ट करने के पार्किंग में। तो आपको सीधा वहीं से दिखाते हैं बाकी। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मगिरी के पार्किंग में, ये रही हमारी बीस्ट। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग, बाकी कितने किलोमीटर ट्रैकिंग है क्योंकि नेट में बहुत कुछ दिखा रहा था, बाकी मैं तुम लोग को एक्चुअल बताता हूँ कितने स्टेप्स होंगे क्या होगा। बाकी चलो मिलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से।
कुछ ऐसा यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है इन सीढ़ियों से। ओके और एक बात, अगर आप ये स्टिक या जो भी लेते हो पूरा ट्रैक करके वापस आने के बाद अगर आप वापस करते हो तो आपको वापस हाफ रेट वापस मिलेगा। अगर 20 रुपये की एक स्टिक है तो 10 रुपये मिलेंगे वापस। सही नहीं सिटी पे अच्छी बात लगी। ओके गाइस, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो यहाँ पे टिकट लगती है। गुड, कितना एक टिकट का? 30 रुपीज़ पर हेड। ओके चलो ओके गाइस, जैसे मैं बोल रहा था कि ब्रह्मागिरी हिल के बारे में मैं यहाँ पे पहुँच के बताऊँगा, तो यहाँ की हिस्ट्री ऐसी है कि हिंदी माइथोलॉजी के हिसाब से एज द नेम सजेस्टेड ब्रह्मागिरी हिल तो लॉर्ड ब्रह्मा के नाम पे ही पड़ा है। तो माना जाता है कि कई साल पहले महर्षि गौतम और उनकी वाइफ यहाँ पे रहते थे या तपस्या करते थे, तो उन्होंने बोलते ना कि गलती से एक गाय की हत्या कर दी थी। तो उनको अपना ये पश्चाताप करने के लिए, अपने पूरे सीन्स हटाने के लिए उन्होंने शिवजी की तपस्या की यहाँ पे। तो जब उन्होंने शिवजी की तपस्या की तो शिवजी ने क्या किया, शिवजी ने यहाँ पे अपनी जटा पटकी थी और यहाँ पे मतलब ऊपर हेवन से माता गंगा को यहाँ पे धरती में पहली बार भेजा था और यहाँ से गोदावरी रिवर का उगम स्थान है, जो कहते हैं कि जैसे यहाँ पे यहीं से गोदावरी नदी निकली थी तो यहीं से जैसे माता गंगा जो गोदावरी के फॉर्म में यहाँ से जनरेट होती है। तो ये है यहाँ की कुछ हिस्ट्री, बाकी आपको ऊपर जाके दिखाएंगे, ऊपर पूरे मंदिर में जाके समझाएंगे। रिव्यूज चेक करो तो बेसिकली अभी मॉनसून का टाइम होना चाहिए था, मगर मॉनसून लेट हो चुके हैं तो इसलिए अभी सब कुछ सूखा हुआ है यहाँ पे, बट फिर भी बढ़िया लग रहा है। व्यूज ये ना रास्ता है, देखो तो ये ना रास्ता ऐसे पूरे फॉरेस्ट के बीच से बना हुआ है, तो यहाँ पे कई सारे बोर्ड लगे हुए थे कि जंगली जानवर वगैरह रहते हैं यहाँ पे। मगर कौन बताए, धरती में सबसे बड़े जानवर तो इंसान ही है, सैड रियलिटी। और एक बात है, यहाँ पीछे एक बोर्ड, मैं वीडियो लेना भूल गया मगर वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ जंगली सांप बहुत है। सांप तो वैसे लाइफ में बहुत है, किस किस का नाम लूँ मैं, लाल छोड़ो। देखो बाकी व्यूज, तो कैसा लग रहा है? अभी स्टार्ट ही किया अभी तो बस अभी थक गई तो? अभी तो चलना है बहुत। चलो मम्मी चलो। तो यहाँ पे घर वालों का फोटो सेशन करते हुए आपकी फोटो आई खींच दी है मस्त आ रहा है यहाँ पे एकदम व्यू पीछे से ऐसे। हाँ ये फोटो मस्त आ रहा है, पूरा पसीना पसीना हो गया मैं पीछे। खुद ही देख लो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, क्या अगर हमारी लाइफ में तो पहली बहुत है। चलो तो गाइस, मुझे बता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो अभी हम 1.8 किलोमीटर चल चुके हैं, आपको पूरा दिखाते रहेंगे लास्ट में कि कितना किलोमीटर चले हम लोग, और स्टेप्स भी गिनते आ रहे हैं हम साथ में। ओके अभी क्या बात कर रहे थे? अभी हम बात कर रहे थे चिल्ड्रंस गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद लोन। अभी हम बात कर रहे थे नहीं मम्मी लाने की मम्मी देख लो क्या बोल रहे मॉडर्न मम्मी लगाएंगे और मस्त, कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। ओके गाइस, थोड़ी हालत ऐसी हो चुकी है, पसीना पसीना हो गया हूँ, बट ये देखो यहाँ से अभी पार्टीशन स्टार्ट हो चुका है और आगे यहाँ लोग बोल रहे काफ़ी बंदर है, फ़ोन छीन के चले आते, तो थोड़ा देर मैं अंदर ही रखूँगा फ़ोन को मैं अब। तो कुछ देर चलने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा जंगल के रास्ते से निकलते हुए, अभी बड़ा प्यारा ही व्यू आ गया है, चेक दिस आउट। ओ भाई मेरे बंदा बंदे के ऊपर है, वहाँ के लग रहा है काफ़ी जनता आई हुई है, वैसे आज वीकेंड है, पहले सोच के आए थे भीड़ तो होगी।
और यार ये देखो, जितना भी दिखाऊँ उतना कम है। बड़ा ही प्यारा व्यू है, कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, बट यो यहाँ पे अभी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऊपर से पसीना आया हुआ इतना, तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है पूरी, और क्या ही मज़े आ रहे हैं। रुको मिन, तो आ चुका यहाँ पे, यहाँ पे खतरनाक ही रास्ता, दो पहाड़ों के बीच में ये रास्ता काट के बनाया हुआ है, और थोड़ा स्लिपरी है। सो फाइनली ऐसा रास्ता था ये, यहाँ आके खुल चुका है, तो यहाँ से वापस ओपन रास्ता आ गया है। यहाँ पे एंटर करते हुए हर हर महादेव। ओ यार, तो यहाँ पे घरद्वार आ चुका है, जैसा ऐसा है, नहीं तगड़ा लग रहा है। और ये देखो, ठीक है, ओके गाइस, इग्नोर माय मैसी लुक, फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। और ये देखो क्या ही लग रहा है, ये पूरा पूरे बादल नीचे आए हुए, और अब होपफुली कुछ ज़्यादा चढ़ाई नहीं है यहाँ से। अब प्लेन गाइस ये देखो, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, हाँ प्रॉपर 2.9 किलोमीटर हो गया है, और 1 घंटा 16 मिनट में हम ऊपर आ चुके हैं। तो आगे दिखाते हैं, अभी थोड़ी और चलना बाकी है आपको पूरा। सो दोस्तों, फाइनली स्टेयर्स वाला पैच ख़त्म हो चुका है, अभी आगे रफ पैच, पूरा खुला एरिया, और वो देखो हमें वहाँ पे जाना है ऊपर। ये देखो, ये जो लोग दिख रहे हैं ना, देखो ये यहाँ पे मेरी उंगली के पास दिखना, अभी हमें वहाँ जाना है। क्या ही व्यू आएगा वहाँ से, बाकी चलो आपको दिखाते हैं। झाड़ भी ठीक हो चुकी है, और अभी हमारे पूरे टोटल स्टेप हो चुके हैं, देखो 3.2 किलोमीटर हो चुके हैं। तो हम रुकते रुकते आए आराम से अपना पानी पीते हुए, और घर वाले भी आ चुके साथ में। देखो आप पूरा आगे प्लेन एरिया में, कहाँ प्लेन, अभी तो पकड़ना है। हाँ तो अभी तो वो देखो वहाँ जाना है ऊपर। अरे बहुत सही आ रहे हैं यहाँ पे, मस्त लग रहे हो, मैं भी खुद आया था ऐसे करके। और यहाँ पे जिसका डर था वही हो गया, बारिश होने लगी बहुत तेज, और अब कोई शेल्टर भी नहीं है वहाँ पे, तब पीछे छोड़ के आ गए। और वो रहा ब्रह्मगिरी हिल, वहाँ जाना है हमने, बट अभी देखो क्या होता है, काफ़ी बारिश हो रही है, मेरे कैमरे में बैटरी भी कम है। चलो यो ब्रो, मैं किसी पूछना चाहूँगा, आएगी दोबारा वैसे साथ में? मेरी बहन की हालत तो ख़राब हो गई है। क्या बोलती, अपनी आगे मेरे साथ कभी कहीं पे भी? अभी कौन सा आता था? सो हम आ चुके ऊपर, तो ऊपर से ऐसे भी लिखता है, क्या ही तगड़ा लग रहा है ऊपर से, अब वर्थ इट था पर ऊपर आना। और जरा ये देखो, कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पे बादल आ रहे हैं पूरे नीचे। और ब्रह्मगिरी के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ मैं, ये नॉट ओनली मैथोलॉजिकल रिलीजन प्लेस वो तो है नो डाउट, बट एक टूरिस्ट प्लेस भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है जहाँ पे लोग नॉर्मली ट्रैकिंग करने आते हैं। सो आप देख ही सकते हैं क्या खतरनाक व्यू आ रहे हैं। तो डू लाइक एंड कमेंट, कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, मेरे को तो सभी व्यूज़ कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या आ गया, अभी धुआं आ गया भाई, खड़े हो जा, ठीक है। सो गाइस, पूरे 2 घंटे में 4.6 किलोमीटर, और हम फाइनली पहुंच चुके हैं वोरा सामने मंदिर। चलते चलते बीच में पेड़ दिखा, बड़ा मस्त लग रहा था। तो ऐसी कुछ चीज़ें ट्रैकिंग टाइम में बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ देखने में, क्या ही लग रहा है, लगी देखो बीच में एकदम। सो गाइस फाइनली ये है मंदिर, आपको पास जाके दिखाता हूँ, चले हम चलो दर्शन करके आते पहले।
ये मेन स्थान जहाँ से भदवाही के मुख से आती है। अभी का हाल ऐसा है, बड़ी खतरनाक बारिश हो रही है यहाँ पे। यहीं पे बैठना पड़ेगा थोड़ी देर अंदर। सो अभी कुछ इस तरह से हाल होगा यहाँ पे भी। बैठो आराम से भी, तब तक बारिश नहीं होती। तो पूरा बताता हूँ, ऊपर नीचे से लेके ट्रैकिंग स्टार्ट करके ऊपर मंदिर तक है पूरा 5 किलोमीटर। करेक्ट, यहाँ इस द्वार तक है पूरा 5 किलोमीटर, जो कि लोग आराम से 2-2.5 घंटे में कर सकते हैं। और जो आराम से थोड़े यंग लोग हैं बिना रुके चलेंगे तो सवा एक घंटा तो नहीं, 1.5 घंटा या 1 घंटा 40 मिनट में आराम से कर लेंगे। और इसी के साथ बारिश में चाय के चुस्के लेते हुए अलग ही मजा आए। और इसी के साथ थोड़ी सी बारिश भी कम हो चुकी है। सो अब आगे है मेन मूल गंगा गोदावरी उगम स्थान मंदिर, मतलब जहाँ से मेन ओरिजिनेट हुई थी। चलो सब जाते हैं अपनी आखिरी मंजिल की ओर, जटा मंदिर, जो शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे जैसा रास्ता है बहुत स्लिपरी हो चुका है और हवा बहुत ही चल रही, जैसा आप सुनाई दे रहा होगा विंडो से। और चलते आगे, दिखाते आपको और आखिरी मंजिल, और होपफुली वहाँ तक मेरा फ़ोन चल जाए क्योंकि ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ बैटरी। सो ये देखो, तो हमें वहाँ जाना है, वो उस जगह में मंदिर है, जूम करके दिखाता हूँ। ही खतरनाक लग रहा है यहाँ पे, ज़्यादा मानसून ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे, सब वाटरफॉल स्टार्ट हो जाएंगे, अलग ही मज़ा आएगा। सो थोड़ी सी और रह गया, वो आगे जाना है। हाँ जी अम्मी जी, आगे मज़ा ट्रैक करके। हाँ जी एडी जी, गाइस हम फाइनली पहुंच गए जटा मंदिर। सो ये है मंदिर और ये है हमारी आखिरी मंजिल, यहाँ के दर्शन करते हैं। इतनी में जटा मंदिर से और यहाँ से कुछ दर्शन करते हैं, वापस चलते हैं। फ़ोन में बैटरी भी नहीं बची है। सो आई थिंक वीडियो एंड करने का ही टाइम है। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। और मिलते हैं फिर ऐसी किसी और बढ़िया सी वीडियो के साथ। टिल देन